गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं हाइब्रिड वैरायटी के हिबिस्कस के बारे में बताऊंगी और देसी वाले का भी। कुछ दिन बाद जो मौसम आने वाली है उसके लिए आप लोग हाइब्रिड वैरायटी के हिबिस्कस लगा सकते हैं। हाइब्रिड वैरायटी के हिबिस्कस में काफ़ी रंग मिल जाते हैं। ये मैं कुछ ही दिन पहले लाई हूँ, इसको अभी रिपोर्ट नहीं की हूँ। इसका रंग देखिए कितना सुंदर है। विंटर सीजन में जो देसी हिबिस्कस प्लांट है उसमें फूल आना काफ़ी कम हो जाता है, दो चार ही आते हैं गिन चुन के। तो आने वाले मौसम के लिए आप हाइब्रिड वैरायटी का हिबिस्कस चुने तो आप जाड़े में भी उसी तरह से फूल पा सकते हैं जिस तरह से मानसून में फूल मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। आज सुबह सुबह मैं उठी तो इतने सारे गुड़हल के फूल खिले हैं। देखिए ये प्लांट टूट गया था तो इसको मैं बांध के रखी हूँ, पता नहीं ये ठीक से होगी कि नहीं, फिर भी फूल आ रही है। ये देसी है, ये भी देसी गुड़हल है और ये सब हाइब्रिड है। ये सब प्लांट आप लगा सकते हैं जो हाइब्रिड वैरायटी के होती है। ये भी ये सब जो है ये हाइब्रिड वैरायटी के, ये सब प्लांट आप लेके लगा सकते हैं। ये सब देसी है तो ये सब सर्दियों के मौसम में शीत निद्रा में चले जाते हैं तो इसमें से ज़्यादा फूल नहीं मिलती, करीब ना के बराबर। और ये जो हाइब्रिड वैरायटी है पुणे वैरायटी, ये ऑस्ट्रेलियन वैरायटी का है। देखिए दो फूल खिले थे कल और कितने बड़े बड़े इसके कलियाँ हैं। और ये सफ़ेद है तो आप ऐसे वैरायटी के जो ऑस्ट्रेलियन वैरायटी पुणे वैरायटी होती है ये सब आप लगा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में ये फूल शीत निद्रा में नहीं जाती है ये फूल का प्लांट, और उल्टा सर्दियों के मौसम में ये ज़्यादा फूल देती है। तो आप लोग हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट लगा सकते हैं गुड़हल का। देखिए ये देखिए सोनी चंपा कितना खिला है। देखिए तो आप अगर ऐसे दो चार प्लांट लगा देंगे अपने गार्डन में सर्दियों के मौसम में भी आपको फूल मिलती रहेगी। तो आप लोग ज़रूर लगाएं पुणे वैरायटी, ऑस्ट्रेलियन वैरायटी, ये सब में आपको काफ़ी अच्छे कलर मिल जाएंगे और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ में भी मिलेंगे। तो आप ज़रूर अपने गार्डन में लेके आए। इसमें साल के 12 महीने फूल लगते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा हाइब्रिड वैरायटी में। और देसी वाले भी अच्छे होते हैं लेकिन उसमें सर्दियों के मौसम में फूल नहीं आते हैं। इसमें देखिए 3 आया है। इसको देख रेख करना काफ़ी आसान है। गुड़हल के पौधे को प्याज का छिलका और केले का छिलका का जो सुखाया हुआ चूर्ण है ये खाद काफ़ी पसंद है, इससे ये काफ़ी अच्छे से फूल देते हैं। तो आप लोग 20 दिन बाद बाद एक एक मुट्ठी डाल सकते हैं मिट्टी का गुड़ाई करके, और ठंडी का दिन में आप इसमें सरसों की खली का पानी भी दे सकते हैं। 3-4 दिन भिगो के रख दे, उसके बाद उसमें पानी मिला के बिल्कुल ही पतली करके उसमें डाल दे प्लांट में 20 दिन बाद बाद। आप एक नियम बना ले, जैसे पहले आप केले का छिलका और प्याज का छिलका का चूर्ण डाल दिए, फिर 20 दिन बाद सरसों की खली का पानी दे, बिल्कुल ही पतली करके दे, नहीं तो प्लांट खराब हो जाएगी। कोई भी मौसम हो आप सरसों का खली का पानी बिल्कुल पतला करके ही डालें फ्रेंड्स। ये हाइब्रिड वैरायटी के हिबिस्कस जो हैं इसमें फूल आते रहती है। देखिए इसमें कल 3 खिला था। काफ़ी रंग में आते हैं, ये बहुत सारे रंग में आते हैं। देखिए गुच्छों में है, इसमें भी 3 खिले हैं आज, बहुत सारे रंगों में आते हैं। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जानकारी अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर दे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।